आरोप दर आरोप, विवाद दर विवाद, स्वयंभू धर्मा राधे माँ क्या बन गई हैं विवादों की माँ। और मैं पूछती रही, बस करो प्लीज, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, डोंट डू दिस। कभी दहेज उत्पीड़न के इल्जाम, कभी अश्लीलता फैलाने का आरोप, तो कभी सत्संग की आड़ में सेक्स रैकेट का संगीन इल्जाम। जितने मुंह उतने आरोप। और अब अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने किया एक और चौंकाने वाला दावा। राधे मां पर फिर डॉली ने साधा निशाना। वो डॉली बिंद्रा जो कल तक थी राधे मां की खास, वही डॉली बिंद्रा जैसे आज तोड़ रही है राधे मां का रहस्य लोक। देखिए एक सनसनीखेज खुलासा, राधे मां का डॉलर लोक। नमस्कार, यह है इंडिया 9 बजे और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इंडिया 9 बजे में आज बात करेंगे राधे मां के डॉलर लोक के बारे में, साथ ही हर बड़ी खबर पर भी होगी हमारी नजर। पिछले कुछ हफ्तों से राधे मां लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और हर रोज आरोपों की जो लिस्ट है वो बड़ी होती जा रही है, लेकिन इस बार उन पर आरोप हिंदुस्तान से नहीं, सात समंदर पार अमेरिका से लगा है। जी हां, अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला का यह आरोप है कि राधे मां ने उनके पिता से बहुत मोटी रकम ऐठी है। यह दावा किया है राधे मां पर कई संगीन आरोप लगाने वाली टीवी कलाकार डॉली बिंद्रा ने। डॉली बिंद्रा ने इन दिनों मोर्चा खोला हुआ है राधे मां के खिलाफ। अब एक नया बड़ा आरोप लेकर आ रही हैं कि उन्होंने किसी की बहुत बड़ी रकम ऐठ ली है। डॉली का कहना है कि अमेरिका में रहने वाली इस महिला ने डॉली को फोन पर बताया, अपने साथ हुई ठगी के बारे में पूरा किस्सा सुनाया। डॉली के मुताबिक पीड़ित महिला ने अपने पिता के जरिए राधे मां को $50,000 दिए थे। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए इस खास सनसनीखेज आरोप लगाने वाली रिपोर्ट में। लाल जोड़ा, चटक लाल मेकअप, एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में लाल फूल, ये पहचान है स्वयंभू धर्मगुरु राधे मां की। खुद को देवी दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां अपने धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के चलते कम और खुद से जुड़े विवादों के चलते ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। राधे मां कभी अपने डांस को लेकर चर्चा में रहती हैं। कभी सत्संग की आड़ में अश्लीलता फैलाने के आरोपों से, राधे मां और विवादों का चोली दामन का रिश्ता है। एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा सिर उठा लेता है। कहते हैं दोस्त जब दुश्मनी पर उतरता है तो चोट गहरी लगती है, और कुछ इसी तर्ज पर अभिनेत्री डॉली बिंद्रा एक के बाद एक राधे मां को निशाना बना रही हैं। किसी जमाने में डॉली बिंद्रा राधे मां की पक्की भक्त थी, लेकिन आज दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ पहले सत्संग की आड़ में अश्लीलता फैलाने का इल्जाम लगाया था, फिर धमकी देने का आरोप पड़ा, और अब वो लेकर आई हैं एक ऑडियो क्लिप। इस ऑडियो क्लिप में डॉली बिंद्रा और अमेरिका में रहने वाली एक कथित भारतीय महिला के बीच हुई बातचीत दर्ज है। ये ऑडियो क्लिप डॉली बिंद्रा ने ही IBN 7 को दी है। मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे न्यूज में देना है, आप मुझे बताइए डिटेल में, क्योंकि जो पहला फोन आया आपका तभी उसमें शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आखिर ऐसी क्या बात है जिसे डॉली रिकॉर्ड करके मीडिया तक पहुंचाना चाहती थी
और उस महिला ने आखिर डॉली बिंद्रा को ही क्यों फोन किया। इस सवाल के जवाब में डॉली बिंद्रा का दावा है कि दरअसल फोन करने वाली महिला राधे माँ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करने वाली है। चूंकि वो खुद अमेरिका में है, इसीलिए उसने अपनी बात पहुंचाने के लिए डॉली को चुना। डॉली जी, कुछ मेरी फैमिली की प्रॉब्लम थी जी, तो मेरे डैडी मेरे बहुत क्लोज थे जी, तो माय डैड जस्ट टॉक टू मी एंड देन ही सेड समवन टॉक अबाउट राधे माँ समथिंग इन इंडिया। डैडी की बस बात ही हो पाती थी मेरे से, तो वो बोलते इतना पैसा नहीं, कुछ नहीं मांगती, पहली बार उतनी कुछ मांगा, दूसरी बार भी कुछ नहीं मांगा, तो तीसरी बार उन्होंने देखा कि इसकी फैमिली इज अ डॉलर्स फ्रॉम अमेरिका, सो उसकी फैमिली ने थोड़े पैसे मांगे, तो डैड बोले भी इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता, तो मैंने कहा डैड आर यू श्योर शी डूइंग समथिंग, सो ही से यस, ही से इज अ फैमिली डूइंग टू वेल, आपकी फैमिली भी उसकी ठीक हो जाएगी, उसका दुकान भी चलेगा, लेकिन आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। सो डैड, मैंने पूछा डैड से कितना, सो $50,000 इन अमेरिकन मनी। सुना आपने, डॉली बिंद्रा से बात करने वाली इस कथित अमेरिका में रहने वाली महिला का दावा है कि राधे माँ ने कथित तौर पर उसके पिता से $50,000 यानी करीब 30 लाख रुपए लिए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे जो आज नहीं रहे हैं, उनके पिताजी वो महिला के, उन्होंने जाकर उसको कैश $50,000 दिए थे। उसके बाद उनका देहांत हो गया, वो नहीं रहे जीवित, और ये पैसे उन्होंने मुकेरिया में दिए थे। अमेरिका में रहने वाली इस कथित महिला के मुताबिक कुछ साल पहले अमेरिका में ही उसके परिवार की माली हालत काफी बिगड़ने लगी। जब उसने अपनी परेशानी अपने पिता को बताई तो उन्होंने राधे माँ का हवाला दिया, राधे माँ के कृपा का हवाला दिया, दावा किया कि राधे माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। डैडी ने आपसे पैसे मांगे उसको देने के लिए राधे माँ को, या क्या हुआ? जी बस पैसे मांगे भेज दिए, कुछ नहीं हुआ, दो साल जब पैसे दे दिए सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बना, बात नहीं सुनी, डैडी जाते कोई कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा, नीचे जाती रही, घर भी मेरा चला गया, मेरा घर बहुत अच्छा था डाली दीदी, वो भी चला गया, दुकान भी चली गई, सारा कुछ चला गया, मेरे हस्बैंड की जॉब इधर वॉलग्रीन में जॉब करते थे स्टोर मैनेजर की, वो भी चली गई, सब कुछ हमारा खत्म हो गया। आई बिल्ड अगेन ओवर, नाउ ही इज वर्किंग टैक्सी ड्राइवर हियर इन अमेरिका, सो आई जस्ट ओपन। डैडी ने पैसे कहाँ जाके दिए? पता नहीं, राधे माँ को पैसे कहाँ जाके दिए? मकेरिया सुना, बस इतना ही सुना, वो उधर किसी के घर जाके पैसे, मंदिर है उसके अंदर घर है, बस ऐसे ही बोला कि उधर जाके पैसे दिए किसी को। आपको बता दें कि मुकेरिया पंजाब के होशियारपुर जिले का एक कस्बा है। सुखविंदर कौर यानी राधे माँ के बनने की कहानी इसी मुकेरिया से ही शुरू होती है। मुकेरिया में आज भी राधे माँ के रिश्तेदार बसते हैं, जैसा कि अमेरिका में रहने वाली इस कथित महिला ने डॉली बिंद्रा को फोन पर भी बताया था। ठीक वैसा ही मुकेरिया में राधे माँ का एक मंदिर भी है। सवाल यह है कि डॉली बिंद्रा अब राधे माँ के खिलाफ क्या और कैसी कार्रवाई करती हैं? आपको बता दें, डॉली बिंद्रा पहले भी राधे माँ और उनके करीबियों के खिलाफ आरोप मर चुकी हैं। पांच वाले में औरतें आती है, देखते ही देखते बॉलीवुड गाना लगाया, आइटम नंबर वाला जो बहुत फेमस है वो गाना लगाया, डांस करने लगे, ये बैठी हुई यहाँ पे बैठी, मतलब ये टांगे पीछे करके बेड में ऐसे लेटती है, ऐसे करके यूं करते हुए मुझे कहती है अभी देख मजा, देखते ही देखते डांस करते करते सारी बहुओं ने कपड़े उतार। डॉली बिंद्रा ने बाकायदा राधे माँ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वो एक के बाद एक आरोपों के तीर चला रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में रहने वाली उस कथित महिला ने पैसों के लेन देन का आरोप भी डॉली बिंद्रा से कथित बातचीत के दौरान लगाया। आईबीएन 7 इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। डॉली बिंद्रा और राधे माँ के बीच क्या दिक्कत है, ये तो वाकई में खोज का विषय है, लेकिन ये ऑडियो क्लिप जो बाकायदा आपने सुना, ये खुद डॉली बिंद्रा ने रिकॉर्ड किया है, और वो जो व्यक्ति है, वो जो महिला है जिसके पैसे ऐंठे गए हैं $50,000, वो डॉली बिंद्रा को शिकायत कर रही है, ना कि मुंबई पुलिस को या अपने उस अमेरिकन जिस शहर में वो रहती है वहां की किसी एजेंसी को। साफ तौर पर इस मामले में
बहुत सी परतें अभी भी खुलनी बाकी है कि राधे माँ और डॉली बिंद्रा के बीच जो आपसी खींचतान है, क्या वही विभत्स रूप लेती जा रही है। वैसे राधे माँ से जुड़ा एक और विवाद अब आपके सामने आता है। राधे माँ ने ओम जय जगदीश हरे की तर्ज पर अपनी एक नई आरती बनवाई है। पटियाला के गायक नीरज कुमार ने राधे माँ की ये आरती को गाया है और इस आरती में राधे माँ का जमकर गुणगान किया गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने इस आरती पर आपत्ति जताई है और राधे माँ के विरोध का ऐलान भी कर दिया है। राधे माँ की आरती में हिंदू धर्म के प्रतीक ओम का इस्तेमाल हुआ है। भक्तों को बड़ा बनाने का भरोसा है, सुख संपत्ति मिलने का दावा है। आरती में कहा गया है कि वो खाली झोली भर देती है। आरती के इस वीडियो में राधे माँ फूलों के सिंहासन पर बैठी हैं, फूलों की बारिश हो रही है, सैकड़ों भक्त झूम रहे हैं। आरती में दावा किया गया है कि राधे माँ भक्तों के मन की जान लेती हैं और मन वांछित फल देती हैं। आरती यही रुकती है, उसमें भक्तों की ओर से कहा गया है कि राधे माँ का चारों ओर बोलबाला है और जो भी उनके घर आता है वो किस्मत वाला होता है। मात मेरी का जगत में चारों ओर बोलबाला है, चारों ओर बोलबाला जो सुन के दर आया, जो सुन के दर आया वो किस्मत वाला। राधे माँ और लाल रंग ये उनकी पहचान बन गई है, लिहाजा आरती में भी उनके नथ, उनकी चुनरी और उनके गिरमल हार का वर्णन है। लाल चुनरिया सर पे नाक में नथ सोहे, नाक में नथ सोहे, हाथों में लाल लाल चूड़ियां, हाथों में इस आरती में भक्तों को सलाह दी जा रही है कि जो भी हाथों में फूल और माला लेकर। ये हवाबाजी नहीं, हकीकत है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल पर केंद्र सरकार के बड़े रुख को अपनी जीत बताते हुए 20 सितंबर को रैली का भी ऐलान किया है। आखिर क्यों पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को बार बार टाला जा रहा है? ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को लेकर सहमति नहीं है या फिर कांग्रेस में उन्हें लेकर संशय कायम है? विक्रांत यादव, दिल्ली, आईवीएन 7। और इंडिया 9 बजे में वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले एक हौसले की खबर, एक हिंदुस्तान की ऐसी सकारात्मक खबर जिसको देखकर आप शाबाश इंडिया जरूर बोलेंगे। खबर 11 साल की बच्ची की हिम्मत और हौसले की है। झारखंड के गोड्डा की रहने वाली 11 साल की मालती ने अपने हौसले की बदौलत वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी ना कर पाए। कई दिन से बुखार में तड़प रहे छोटे भाई की हालत बिगड़ती देख मालती ने तय किया कि वो उसे लेकर अस्पताल जाएगी। इसके बाद उसने बुखार में तप रहे अपने भाई को अपने कंधे पर बिठाया
और तपती धूप में अस्पताल के लिए निकल पड़ी। और यह अस्पताल आसपास नहीं 8 किलोमीटर दूर था। 8 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव से यह सुंदर पहाड़ी अस्पताल पहुंची और खेलने कूदने की उम्र में इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का जज्बा देखकर अस्पताल में मौजूद आम लोग और वहां पर मौजूद डॉक्टर्स हैरान रह गए। छोटे भाई की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल में भेज दिया गया। हालांकि इस बार मालती को पैदल नहीं चलना पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने मालती की पूरी मदद की। आपको बता दें कि 11 साल की मालती के माता पिता नहीं है, वो अपने 7 साल के छोटे भाई माइकल के साथ अपनी नानी के साथ रहती है और कम उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ ने मालती को अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बना दिया है और उसने वो जज्बा दिखाया जो हम सब के लिए एक मिसाल है, एक शाबाश इंडिया की कहानी है। IBN 7 का मालती को सैल्यूट। दोनों भाई का तबीयत खराब है। माँ बाप है नहीं है तो कैसे रहती है? मेरा नानी के साथ।